तो गाइस पेंटिंग प्लेलिस्ट की मेरी पहली ये पेंटिंग है जिसमें मैंने राजस्थानी थीम को बेस किया है। इसमें मैंने दो म्यूजिशियंस की पेंटिंग बनाई हैं जो कि अपना म्यूजिक पेश करके राज दरबार में राजा को खुश किया करते थे। इसी थीम पर बेस करके मैंने इस पेंटिंग को बनाया है जो कि काफ़ी कलरफुल है। इसमें मैंने इसके हाथ पैर मुंह बाकी सबको ब्लैक कलर से कलर किया है और इसकी जो कोटी थी उसे ब्लू और जो धोती का कलर था उसे मैंने डार्क येलो कलर का रखा है। गाइड मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ नहीं, जिस तरीके से मुझे आर्ट बनानी आती थी मैंने उसी हिसाब से अपने हिसाब से इस पेंटिंग को खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। गाइड ये वीडियो जो थोड़ी बहुत हिल रही है ना, आप प्लीज़ इसे माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मेरा ट्राइपॉड गिर गया और टूट गया और जिस दुकान से मैं परचेज करती थी वहाँ मुझे आज नहीं मिल पाया। तो मैंने अपने बेटे से कहा प्लीज़ तुम ही शूट कर लो। तो काफ़ी देर से ये पकड़ा हुआ था तो इसका हाथ हिलने लगा तो ये पेंटिंग थोड़ी बहुत हिल रही है। आप प्लीज़ इसे माइंड मत कीजिएगा, आगे से जब मुझे मिल जाएगा तो वो पेंटिंग की वो भी ठीक हो जाएगी। काफ़ी टाइम से मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे पास ट्राईपोड नहीं था, पर मैंने सोचा नहीं इस तरीके से लेट करूँगी मेरा ही नुकसान है। भाई मैंने अपनी इस वीडियो को पूरा कर दिया और जो ये मैंने कैनवास है वो घर पे ही बनाया है। आइवरी शीट जो मार्केट में मिलती है उसे मैंने लिया और वो बोर्ड भी मैंने अपना मार्केट से 10 रुपये में परचेज किया है। उस पर मैंने आइवरी शीट को चिपका लिया है फेविकोल की मदद से और उस पर मैंने पेंटिंग बना दी। आइवरी शीट इतनी ज़्यादा ठीक होती है कि इस पर आप ऑयल कलर भी कर सकते हैं। वैसे मैंने पोस्टर कलर का यूज किया है। तो गाइस इस तरीके से आप भी बहुत ही प्लेन और सिंपल कलर करके अपनी दीवार के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स बना सकते हैं। गाइस आप इसे लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको मतलब पेंटिंग बनानी नहीं भी आती है तो आप कहीं से लेकर इसे छाप लीजिए और सिंपल प्लेन कलर करके भी आप इस पेंटिंग को बना सकते हैं और अपनी दीवार को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ईजी सा आइडिया है, आप आराम से बिल्कुल आराम से इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो। आपके कमेंट्स प्लीज़ हर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है तो मैं अपनी वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी।